हाई गाइज़ वेलकम टू एजुकेशन वेव सक्सेस मे इट ईजी वेलकम टू एम एस सी बॉटनी क्लासेज सो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे गोल्डन राइस के बारे में और गोल्डन राइस की फॉर्मेशन के लिए जो हमने डेफोडल से जीन्स निकाले थे एरवीनिया जो हमारा बैक्टीरिया है उससे निकाले थे जो जीन्स और उनसे जो हमारी गोल्डन राइस की फॉर्मेशन हुई उस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे और फिर जो पूरा फ्लो चार्ट है गोल्डन राइस फॉर्मेशन का लाइक जो बीटा कैरोटीन जो हमने इसमें डाला था कैसे आया वो वो सारा हम इसमें पढ़ेंगे सो गोल्डन राइस के इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं गोल्डन राइस इज़ अ वेराइटी ऑफ राइस जिसको राइस राइस uh, की वेराइटी जो कि राइजा सताइबा है प्रोड्यूस टू जेनेटिक इंजीनियरिंग टू बायो सिंथिसाइज बीटा कैरोटीन जो कि एक प्रिकर्सर है ठीक है किसका प्रिकर्सर है वाइटामिन ए का एंड इन द एडिबल पार्ट ऑफ राइस तो हुआ क्या गोल्डन राइस में जो नॉर्मल हमारा जो राइस होता है उसमें हमारा जो वाइटामिन ई e है ठीक है वो लैक होता है मतलब उसमें हमारा वाइटामिन ए नहीं होता तो फिर हमने क्या किया उस क्रॉप को मतलब ये एक बायो फोर्टिफाइड क्रॉप है उसमें होता क्या है कि हम ऐसी क्रॉप्स बनाते हैं जिसमें जो भी लाइक वाइटामिन ए की कमी है तो हम उसमें वो चीज़ उसको ऐसे ट्रांसफॉर्म करेंगे कि हमारी वो कमी पूरी हो सके तो हमने भी उस राइस के अंदर वो जीन्स इंसर्ट किए वो जीन्स हमने इंसर्ट किए जो हमारा वाइटामिन ए की फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे ठीक है तो गोल्डन राइस भी एक बायोफोर्टिफाइड क्रॉप है जिसको हम बोल सकते हैं कि जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप है जिसके अंदर हमने बीटा कैरोटीन बनाने के लिए अब ये बीटा कैरोटीन क्या है हमें वाइटमिन ए चाहिए बीटा कैरोटीन एक प्रिकर्सर है मतलब बीटा कैरेटीन अगर हम राइस में बीटा कैरेटीन बना देते हैं और उस राइस का जब आप इंटेक करोगे तो जैसे ही आपकी बॉडी में ये बीटा कैरेटीन जाएगा वो क्या बना देगा बॉडी में वाइटामिन ए की फॉर्मेशन कर देगा ठीक है तो ये वाइटामिन ए हम जब इंटेक करेंगे तो हमारी बॉडी में बनेगा चाहिए हमें किस फॉर्म में बीटा कैरेटीन की फॉर्म में चाहिए तो प्रिकर्सर मतलब उससे पहले बनने वाली जो फॉर्म है तो एडिबल पार्ट ऑफ राइस की जो भी जैसे एंडोस्पर्म हो गया आपको भी पता है राइस में जितना भी पार्ट हम जो एडिबल पार्ट होता है वो पूरा का पूरा जो होता है एंडोस्पॉम इसमें पहले से प्रेजेंट होता है तो इस एंडोस्पॉम में ही हमें बीटा कैरेटीन की फॉर्मेशन करनी थी तो कैसे की हमने ये सारी फॉर्मेशन वो इस चैप्टर में पढ़ेंगे अब ये जो गोल्डन राइस है इट वॉज़ ओरिजिनल द ओरिजिनल गोल्डन राइस वॉज कॉल्ड एस जी आर वन तो ये आप याद रखिएगा कि हम इस गोल्डन राइस को इसका ओरिजिनल नेम जो था ऑब्वियसली बात है हमने कुछ भी बनाया तो उसका नेम रखते हम तो गोल्डन राइस तो बोलते थे बट उसका ओरिजिनल गोल्डन राइस जो नेम था वो था एस जी आर वन ठीक है एंड अंडर ग्रीन हाउस कंडीशन ये क्वेश्चन आता है कि जब हम उसको ग्रीन हाउस जो कंडीशन होती है हमारी उसके अंदर जब हम प्रोड्यूस करते थे तो हमारा जो अमाउंट होता है जो भी यहाँ पे लिखा है ये आपको याद रखना है ठीक है इतना होता है जो उसका अमाउंट है वो इतना होता है तो सिम्टम्स क्या थे प्रो वाइटामिन ए टाइप के लाइक like अगर जो हमारे वाइटामिन ए है अगर हमें वो नहीं मिला तो क्या क्या हमारी बॉडी में सिम्टम्स कॉज हो सकते हैं तो नाइट ब्लाइंडनेस ठीक है तो होता क्या है यहाँ पे वी एक में हम यहाँ पे इसको वी ए डी ऐसे भी बोलते हैं इसको क्यों बोलते हैं इसको क्योंकि यहाँ पे ये वाइटामिन ए डेफिशिएंट जितनी भी जो डिजीज़ हैं जो वाइटामिन ए डेफिशिएंट जो डेफिशेंसी से होती हैं वो सारी डिजीज़ ये कॉज करता है ठीक है तो वाइटामिन ए से जितनी भी जो बीमारियां हैं जो भी होती हैं वो कॉज करने वाला कौन होता है मतलब जो इससे हो जाती हैं वो सारी यहाँ पे बताई गई हैं तो वाइटामिन ए अगर हमारी बॉडी को नहीं मिलता तो नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है जीरोपथैलमिया हो सकता है फैटल सस्पेक्टेबिलिटी हो सकती है लाइक टू चाइल्ड डिजीज़ेस तो ये गोल्डन राइस के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें पूछा जाता है जैसे कि किसने इसको डिस्कवर किया था ग्रीन हाउस इफेक्ट में कौन सा अमाउंट हमारे पास आता है प्रोड्यूस होके ठीक है तो इंजीनियर देखते हैं ये एक नॉर्मल राइस से इंजीनियर हुआ था किसने किया था इसको इंगो पॉट्रिकस ने और पीटर बियर ने किया था नाइनटीन में किया था ह्यूमन हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए ऐसा कहा गया था कि गोल्डन राइस की फॉर्मेशन के बाद हमने बहुत सारी जो जो लाइफ्स थी उस गोल्डन राइस के बेसिस पे बहुत सारी लाइफ्स बचाई जा सकती थी और बचाई भी गई थी ठीक है तो गोल्डन राइस एक बहुत बड़ी आ, कह सकते हैं अचीवमेंट थी ठीक है तो इंजीनियर किया गया था किसने किस किसने किया था इसको इंगो पॉट्रिस पॉट्रिकस ने और पीटर बियर ने ना गोल्डन राइस टेक्नोलॉजी वो जो सिंपली किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है दैट राइस प्लान्ट जो हैं वो पोजिस द होल मशीनरी टू सिंथिसाइज बीटा कैरेटीन एंड वाइल दिस मशीनरी इज़ फुल्ली एक्टिवेटेड इन लीव पार्ट ऑफ इट आर टर्नड ऑफ इन द ग्रेन ठीक है तो होता क्या है कि कभी कभी जैसे ये जो बीटा कैरेटीन है जो अभी मैंने आपको बताया कि ये बीटा कैरेटीन हमें बनाना होता है किसमें हमें इससे चाहिए होता है क्योंकि यही आगे चल के हमें जब इंटेक करेंगे हम इसका तो वाइटामिन ए बनाता है हमारी बॉडी में अब ये जो मशीनरी है गोल्डन राइस टेक्नोलॉजी किस पे बेस है कि राइस के पास ठीक है पूरी मशीनरी पहले से ही मतलब हमें देनी होती है या फिर प्रेजेंट होती है उसकी कहाँ पे प्रेजेंट होती है एक्टिवली प्रेजेंट होती है लीव्स में लेकिन कुछ पार्ट्स में ये एक्टिव नहीं होती ये इनएक्टिव होती है तो हमें बाहर से एंजाइम्स जो होते हैं वो इंसर्ट करने पड़ते हैं ताकि हम इनकी फॉर्मेशन करा सकें तो वो वो जो जीन्स हैं वो जो हम इंसर्ट करेंगे उनके नाम जो हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं तो उनके नाम यहाँ पे देख लीजिएगा प्लीज़ ध्यान से देखिएगा तो गोल्डन राइस वॉज़ क्रिएटेड बाई ट्रांसफॉर्मिंग राइस विथ थ्री बीटा कैरोटीन बायोसिंथेसिस जीन अब हमें इस बीटा कैरोटीन को बनाने के लिए जो गोल्डन राइस के अंदर हमने तीन बीटा कैरेटीन के जीन्स डाले मतलब बीटा कैरेटीन को बनाने के लिए तीन जीन्स डाले गए वो किन से लिए थे मैंने अभी आपको पीछे बताया था एक हमने डेफोडिल का नाम लिया था और एक एल्विनिया का नाम लिया था ठीक है तो एल्विनिया जो है वो एक बैक्टीरिया था ठीक है बैक्टीरिया था और ये डेफोडिल जो था हमारा ये तो एक तरीके से बता सकते हैं डेफोडिल जो था हमारा उससे हमने दो जीन्स ले लिए और बैक्टीरिया से हमने एक जीन उठाया इनके नाम हमेशा आते हैं जैसे फाइटोइन सिंथेस लाइकोपीन बीटा साइक्लेस जिसको एल सी वाई बोलते हैं फाइटोइन सिंथेस को पी एस वाई बोलते हैं फिर से बता देती हूँ नासिसस नासीस आपको याद रखना है ये नाम ये एक डेफेडिल जिससे हमने निकाला गया था उस स्पीशीज का नाम है ठीक है उससे हमने दो जीन्स निकाले थे कौन से निकाले थे एक पी एस वाई और एक एल सी वाई पी एस वाईव लाइ फाइटो सिंथेज और एल सी वाईवॉस लाइकोपिन बीटा साइक्लेज। फिर हमने जो बैक्टीरिया से जो जीन निकाला था जो कि एक सॉयल बैक्टीरियम था उससे निकाला हमने एक ही जीन जिसका नाम था फाइटोइन इन डी सैटोरेज ठीक है उसका नाम था सी आर टी वन तो ये सी आर टी वन जो हमने जिसको फाइटोइन डी सैटोरिस बोला है जिसको हमने एयरवीनिया बैक्टीरिया से निकाला पी एस वाई फाइटोन सिंथेज एल एस सॉरी एल सी वाई लाइकोपिन बीटा साइक्लेज, ये तीन जो चीज़ें थी हमें चाहिए थी बीटा uh, कैरोटीन बनाने के लिए तो बस इन जीन्स का आपको बार बार अच्छे से नाम याद रखना है कहाँ से निकाला गया था ठीक है इनकी शॉर्ट फॉर्म से याद रखनी है पी एस वाई एल सी वाई सी आर टी वन तो अब देखते हैं बीटा कैरोटीन ये था क्या जब हमने कंबाइंड एक्टिविटी ऑफ पी एस वाई फाइटोइन सिंथेस सी आर टी वन जो कि क्या था फाइटोइन डी लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ लाइकोपीन अब हमने क्या देखा सबसे पहले कि जब भी भी हमने पी एस वाई दिया मतलब उस उस पूरे राइस को जब भी भी हमने जो भी रिएक्शन चल रही होगी उसमें हमने जब ये जीन डाला होगा या फिर सी आर टी वन डाला होगा तो इन दोनों को डालने के बाद हमारा एक प्रोडक्ट आया जिसका नाम था लाइकोपीन ठीक है अभी मैंने आपको बताया लाइकोपीन हमने बीटा साइक्लेज भी दिया था ठीक है तो जब ये लाइकोपीन बना तो लाइकोपीन बीटा साइक्लेज दिया गया ताकि ये कोई आगे जाके कोई प्रोटीन बनाए लाइकोपीन रेड कंपाउंड था ठीक है लाइकोपीन ये एक रेड कलर का कंपाउंड था तो देखा क्या गया ऐसा बार बार बोला जाता है कि हैज बीन ऑब्जॉर्ब इन एनी राइस ट्रांसफॉर्मेंट्स एंड डिफरेंट जेनेटिक बैकग्राउंड तो ये जो लाइकोपीन है हैज नेवर बीन ऑब्जॉर्ब्ड इन एनी राइस ट्रांसफार्मर एंड डिफरेंट जेनेटिक बैकग्राउंडस तो बोला जा रहा है कि ये जो लाइकोपीन जो ऑब्जर्व हुआ था ठीक है ये कभी भी किसी भी राइस ट्रांसफॉर्मेंट्स में ऑब्जर्व नहीं किया गया था या फिर किसी भी डिफरेंट जेनेटिक बैकग्राउंड्स में ऑब्जर्व नहीं किया गया था ये बस एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दी गई है इस पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा यहाँ पर जो मेन चीज़ है जो मैं बताना चाह रही हूँ वो ये है कि जब हमने लाइकोपीन की फॉर्मेशन की तो उसके बाद क्या हुआ तो देखिए जब हमारा लाइकोपीन बना होगा तो लाइकोपीन में हमने डाला होगा हमारा लाइकोपीन बीटा साइक्लेस ठीक है इससे हमारा जो भी था उससे हमारा पूरा का पूरा क्या हो गया पूरा ये लाइकोपिन जो भी था वो एक्सप्रेस हो गया एक्सप्रेशन के बाद हुआ क्या हमारा यहाँ पे क्या फॉर्मेशन हुआ बीटा कैरोटीन बनाया इन्होंने ठीक है ये लाइकोपिन बीटा कैरोटीन बनाता है होता ये रेड कलर का है लेकिन फिर इसके अंदर भी जो चेंजेस हुए उस चेंजेस के बाद एक हमारा येलो या फिर आप बोल सकते हो गोल्डन हमारा एक गोल्डन कलर का गोल्डन uh, कलर आता है जिसकी वजह से हमारे राइस का कलर भी गोल्डन हो जाता है जिसकी वजह से हमने उसका नाम भी गोल्डन राइस रखा था ठीक है तो अल्फ़ा बीटा कैरेटीन आर फाउंड टुगेदर विद वेरिएबल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजनेटेड कैरेटिन फिर सच एज ल्यूटीन एंड जी इज इस पे ध्यान मत दीजिए ये क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि ये अल्फ़ा कैरेटीन भी बना सकता है और बीटा कैरेटीन भी बना सकता है ठीक है तो ये अल्फा कैरेटीन बनाएगा ठीक है तो ल्यूटीन बीटा कैरेटीन बनाएगा तो जी जेंथीन हमारा जो बनेगा लास्ट में ठीक है कलर्स यहाँ पे ये इनसे बन रहे हैं अब देखते हैं बीटा कैरेटीन की पाथवे अभी तक हमने जितना पढ़ा है वो यहाँ पे यूज़ होगा तो जैसा कि मैंने बताया कि जो नॉर्मल राइस होते हैं उनके पास ये बीटा कैरेटीन बनाने के लिए मतलब चीज़ें नहीं होती वो क्या करते होंगे सिर्फ यहाँ तक ये अपना बना के छोड़ देते होंगे ठीक है आगे नहीं बढ़ते बट हमने यहाँ पे जो राइस लैक दीज एंजाइम्स कौन कौन से एंजाइम सिंथेस डी सेटोरेज और लाइकोपिन बीटा साइक्लेज तो ये भी आप ऐड कर सकते हो ये भी है एक जेड कैरोटीन डी सेटोरेज क्योंकि बहुत सारी बुक्स में आपने पढ़ा होगा ये चार एंजाइम्स होते हैं तो बोला जाता है अरवीनिया के दो हैं डेफिडिल्स से दो हैं ठीक है बट जो मैंने आपको तीन पढ़ाए हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो ये फ्लो चार्ट में आप भूल मत जाना क्योंकि ये जो है ना जेड कैरोटीन और डी सैटोरेज ये करते क्या है ये दोनों डी सैटोरेज एनजाइम ये ना डबल डबल बॉन्ड्स बनाते हैं किस में लाइकोपीन में ठीक है तो ये डबल बॉन्ड्स कह सकते हो आप इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो चार बॉन्ड्स हो गए दोनों चार बॉन्ड्स हो गए तो कभी एग्जाम में आए कि मतलब अगर ऐसा कुछ आए तो आप बता देना कि ये बॉन्ड्स जो होते हैं ऐड कराते हैं हमारे लाइकोपीन के अंदर और फिर हमारा ये जो लाइकोपीन बीटा साइक्लेज है वो क्या कराता है यहाँ से ये जो पैप्टाइड सिग्नल है मतलब जो भी ट्रांजिट पैप्टाइट सिग्नल्स होंगे ये जो बीटा साइक्लेज कराता क्या लाइकोपिन के तो लाइकोपिन जो बीटा साइक्लेज है ये कैरी करता है जो पैप्टाइट सिग्नल्स होता है एक्सप्रेस करने के लिए प्लास्टर्स के अंदर तो एक तरीके से वही एक्सप्रेशन में हेल्प करा है हमारा जो भी प्ला पैप्टाइट सिग्नल्स हैं उसको एक्सप्रेशन में हेल्प करा तभी तो हमारा वो कलर एक्सप्रेस हो रहा होगा ना उसमें ठीक है तो आई पी पी था यहाँ पे ठीक है फिर नीचे हमारा जो भी है यहाँ तक तो आपको ये लर्न करना पड़ेगा ठीक है फिर यहाँ से होगा जो भी है हमारा फाइटोइन सिंथेस हमने डाला तो हमारा फाइटोइन बना फाइटोइन के बाद आपने डी डालने आपको याद क्या रखना है कि ऊपर हम डेफोडिल देते हैं नीचे डेफोडिल देते हैं बीच में हम दोनों बैक्टीरिया के हमारे एंजाइम्स डाल देते हैं तो जो भी जीन थे हमने डाले थे जिनसे एंजाइम्स फॉर्मेशन हो रही है यहाँ पर तो हमने बैक्टीरिया का जो एरविनिया का जो जीन डाला था उस जीन से हमारे ये एंजाइम्स बने हैं अब वो एंजाइम्स हमने जब फाइटोइन के अंदर मतलब इंट्रोड्यूस करवाए तो यहाँ फ़ाइटोइन से लाइकोपिन बना अब लाइकोपिन पे हमने बीटा साइक्लेज डाल दिया तो ये लाइकोपिन जो था वो एक्सप्रेस हो गया बीटा कैरेटीन में बस ख़त्म इसमें यही था आईपीपी ठीक है फिर यहाँ पे जरनाइल जरनाइल डिस डाइफॉस्फेट बोल सकते हो यहाँ पे हमने डेफोडल का जीन दिया जो जीन था वो फाइटोइन सिंथेस था फाइटोइन बना फिर फाइटोइन डिससेटोरेज फिर जेड कैरेटीन डिससेटरेज दोनों डाल दिए एक साथ दोनों से हमारे चार बॉन्ड्स बने होंगे इस लाइकोपीन के अंदर ठीक है लाइकोपीन बना फिर लाइकोपीन से लाइकोपीन बीटा साइक्लेज लाइकोपीन के लिए रखा गया था तो हमने यहाँ पे डाल दिया जो कि इसके एक्सप्रेशन में काम आया तो ये लाइकोपीन ने यहाँ पे बीटा कैरेटीन बना दिया ठीक है जो कि हमारा वाइटामिन ए प्रिकर्सर था तो यही थी हमारी बीटा कैरेटीन पाथवे फॉर गोल्डन राइस फॉर्मेशन इसमें जो चीज़ें हमें याद करनी थी वो डेफिडल का जीन जीन याद करना है अरबीन या यूरेडोवरा का ठीक है कौन कौन से हमारे जीन के इन्होंने नाम बताए उनकी शॉर्ट फॉर्म पी एस वाई एल सी वाई फिर यहाँ पे जो फाइटोइन डी सैटोरेज है इसको क्या बोलते हैं ठीक है तो इसको हम सी आर टी वन बोलते हैं फिर जेड कैरेटीन इसको क्या बोलते हैं ठीक है लाइकोपिन बी साइक्लेस को एल सी वाई तो ये जो चीज़ें हैं वो आपको लर्न करनी है बस ये बीटा कैरेटीन पाथवे फॉर गोल्डन राइस फॉर्मेशन ख़त्म थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग प्लीज अस ऑन एजुकेशन वेव डॉट इन एंड प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो को और जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन थैंक यू सो मच